हे गाइस, वेलकम बैक टू द संडे Q&A सीरीज, जहां मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस Q&A में सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम से ही लिया गया है, इसलिए जल्दी से जाओ और फॉलो करो। दोस्तों, पहला सवाल है महेश भाई की तरफ से। ये लिखते हैं कि भाई, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, आपके हर वीडियो को लाइक करता हूँ, थैंक यू भाई। क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी कोई गर्ल वाली फ्रेंड है क्या और आपका एज क्या है? महेश भाई, देखो, मेरे जैसे यूट्यूबर्स का लाइफ ना बहुत ही बिजी होता है। वीडियो अपलोड करने के बाद दूसरे दिन से मन में ये सवाल आने लगता है कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर बनाऊं, और इसका जवाब मुझे मिलता है आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद। और टॉपिक मिल जाने के बाद कम से कम 3 दिन तक मैं रिसर्च करता हूँ उसी टॉपिक पर, चाहे वो गूगल पर करूँ या फिर बहुत सारे बुक्स पढ़कर। और इतना करने के बाद टाइम आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का, जिसमें खास ये ध्यान दिया जाता है कि टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझा सकूँ, चाहे इसके लिए मुझे ढेर सारे एग्जाम्पल्स ही क्यों ना लेना पड़े। इतना करते करते 4 दिन तो आराम से टाइम गुजर जाता है। 5वां दिन होता है एनिमेशन का दिन। आपने अक्सर देखा होगा प्लेन्स पर कभी कभी मेरा लोगो होता है, तो कभी कभी उस प्लेन का नाम लिखा होता है जिसका मैं केस स्टडी करने वाला हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे MH370 के बारे में बताना हो और मैंने वहाँ पर घोस्ट प्लेन को इंक्लूड कर दिया, इसीलिए एनिमेशन बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद आता है वीडियो मिक्सिंग का टाइम, और मैं आपको बता दूं कि मुझे 1 मिनट वीडियो को एडिट करने में 1 घंटा लगता है। और आप सभी को तो पता होगा, मैं हमेशा लॉन्ग वीडियोस ही बनाता हूँ, तो इसमें कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और इतना करते करते 6 दिन गुजर जाता है, यानी कि मैं कम से कम 1 या 2 दिन रेस्ट करता हूँ। और देखो यार, मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, गर्लफ्रेंड बनाओगे यानी कि उसको टाइम दोगे, और इसमें आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो घर पे रहो, सेफ रहो और अपने टाइम को कहीं अच्छे जगह पर स्पेंड करो, ना कि हाई हेलो में। दोस्तों, अगली कमेंट है विश्वास भाई के तरफ से। ये लिखते हैं कि ATC के ऊपर फैन क्यों लगा होता है और ये हमेशा घूमते क्यों रहता है? विश्वास भाई, जिसे आप फैन बोल रहे हैं, दरअसल वो एक रडार है, SSR, यानी कि सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार। ये सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार प्राइमरी रडार का अपडेटेड वर्जन है। प्राइमरी रडार में प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण प्लेन को कंट्रोल करने के लिए ATC को थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा चरखी दादरी के आसमान में 2 प्लेन आपस में टकरा गया था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट में सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार नहीं था, जिसके कारण ATC को पता नहीं चल पाया कि दोनों ही प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। सीधे सीधे कहें तो ये प्लेन का रोटेटिंग एंटीना दरअसल सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार होता है, जो प्लेन के एग्जैक्ट लोकेशन को ATC को बताता है। अगला सवाल है सागर भाई की तरफ से। ये लिखते हैं कि एयरक्राफ्ट का स्पीड फिक्स होता है या फिर प्लेन का स्पीड भी ATC ही डिसाइड करता है? दोस्तों, प्लेन किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है, इसका कोई भी कंट्रोल ATC के पास नहीं होता। प्लेन में कितना फ्यूल भरा गया है, प्लेन के कितने फ्यूल को सेव करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन फ्लाइट प्लान में डाला जाता है और ATC को सेंड कर दिया जाता है। और ट्रैफिक के अनुसार ATC आपको कंट्रोल कर सकता है कि आप थोड़ा स्लो जाएं या फिर स्पीड अप करें। सूरज भाई ने एक फोटो सेंड करते हुए कहा है कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं, दरअसल वो पीटर ट्यूब है। दरअसल इस ट्यूब में एक सेंसर लगा होता है और ये पता लगाता है कि एयर की फ्लो कितनी तेजी से हो रही है। और इस फोटो के नीचे आप देख सकते हैं छोटा सा डिवाइस, ये बेसिकली प्लेन के एंगल ऑफ अटैक को बताता है, कब प्लेन का नोज नीचे जा रहा है और कब प्लेन का नोज ऊपर जा रहा है। ये सेंसर इन सभी चीजों को डिटेक्ट करके पायलट को मॉनिटर में शो करा देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, स्टैटिक पोर्ट जो कि प्लेन का एल्टीट्यूड बताता है। अगला सवाल है एलेक्स भाई की तरफ से। ये लिखते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या? भाई देखो, अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन जब होगा तो बता दूंगा। अगला सवाल है मिस्टर स्पाइडरमैन की तरफ से। इन्होंने अपना नाम तो लिखा नहीं है और ये पूछते हैं कि कौन सा एयरलाइन सबसे अच्छा है दुबई ट्रेवल करने के लिए।
दोस्तों कुछ प्रीमियम प्लेन्स होते हैं जो साफ सफाई में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, वहीं कुछ ऐसे प्लेन्स भी होते हैं जो काम चलाने से मतलब रखते हैं। इन दोनों के बीच में फ़र्क ये होता है कि जो प्रीमियम प्लेन्स होते हैं उसमें कंट्री का नाम मेंशन होता है और उस कंट्री का फ्लैग भी मेंशन होता है। वहीं कुछ सस्ते फ्लाइट्स भी होते हैं जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, इनके नाम पर आप अगर नोटिस करोगे तो आप यहां पाओगे कि इंडिया का नाम या फिर इंडियन फ्लैग यहां पर मेंशन नहीं होता। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सुषमा जी पूछते हैं कि प्लेन हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, तो पैसेंजर्स को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 10 रोटी खाने के बाद ही आपका पेट भरता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम है, यानी कि रोटी का लेवल कम है सिर्फ, और आपके घर में सिर्फ एक रोटी है, यानी कि आपको पेट भरने के लिए 10 रोटी किसी भी तरीके से चाहिए तो चाहिए। अब आप क्या करोगे कि आपके आगे वाले घर से 2 रोटी उठाना है, आपके लेफ्ट वाले घर से 2 रोटी उठाना है, उसके आगे 2 रोटी उठाना है, और इसी तरह करते करते आपके पास 50 रोटी है और आपको ज़रूरत है सिर्फ 10 रोटी की। घुमा फिरा के कहें तो हाई एल्टीट्यूड पर भी इतना ऑक्सीजन मिल जाता है कि पैसेंजर्स को भी सप्लाई कर दिया जाए, फिर भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जेट इंजन बहुत ही अधिक मात्रे में, बहुत ही अधिक अमाउंट में एयर को सक कर लेता है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमित भाई पूछते हैं कि जब पायलट की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो क्या पायलट को सिर्फ एक ही प्लेन उड़ाने दिया जाता है या फिर वो कोई भी प्लेन उड़ा सकते हैं? दोस्तों जब हम स्कूल की पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री ऑनर्स करना है या फिर फिजिक्स में जाना है या फिर मैथमेटिक्स पढ़नी है। ठीक वैसे ही पायलट ट्रेनिंग के बाद पायलट्स के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि उन्हें बोइंग 737 उड़ाना है या फिर बोइंग 747 या फिर कोई एयरबस का प्लेन। पायलट किसी एक प्लेन को चूज करता है और उसे उड़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगता है और इसे कहा जाता है टाइप रेटिंग। और यहाँ पर पायलट्स को खुली आज़ादी होता है कि वो किसी भी प्लेन पर, इवन एक से ज़्यादा प्लेन पर भी टाइप रेटिंग कर सकता है, जैसे कि एक पायलट बोइंग 737 पर भी टाइप रेटिंग कर सकता है और बोइंग 747 पर, और वो पायलट दोनों ही प्लेन को उड़ा सकता है। रंजीत भाई पूछते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पायलट के स्टडी से रिलेटेड होता है क्या? दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियर्स उन मशीन्स को डिजाइन करते हैं, उन मशीन्स पर रिसर्च करते हैं जो कि स्पेस में फ्लाई करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा सा ड्रोन हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनका नाम तो नहीं पता। ये पूछते हैं कि एरोप्लेन का सीट बेल्ट शोल्डर सपोर्ट क्यों नहीं होता जैसे कि कार्स में होता है? दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों के सेफ्टी के बारे में समझना पड़ेगा। एक कार का सीट बेल्ट आपको इम्पैक्ट से बचाने के लिए होता है, लेकिन एक प्लेन का सीट बेल्ट इम्पैक्ट से बचाने के लिए नहीं होता, क्योंकि वैसे भी प्लेन का स्पीड बहुत ही अधिक होता है और इतने स्पीड में अगर प्लेन किसी से टकरा जाता है तो सीट बेल्ट कुछ भी काम करने वाला नहीं है, चाहे वो कार का सीट बेल्ट हो या फिर प्लेन का। आपने टर्बुलेंस का नाम सुना होगा, जब प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है, ऐसे कंडीशन में यात्री ऊपर लगेज से ना टकरा जाए इसके लिए सीट बेल्ट काम आता है। या फिर अगर प्लेन का कभी इमरजेंसी लैंडिंग या फिर रफ लैंडिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में भी पैसेंजर्स को अपने सीट में बनाए रखता है। उदय भाई लिखते हैं कि 10th के बाद क्या करना चाहिए कमर्शियल पायलट बनने के लिए? यहाँ पर आपको 10th के बाद साइंस पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जरूरी है। गेमिंग भाई लिखते हैं कि जब प्लेन को वॉश किया जाता है तब प्लेन का इंजन डैमेज नहीं होता क्या? दोस्तों प्लेन में भी बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जंग लगने का खतरा होता है और इसीलिए प्लेन को वॉश करते समय उन्हें कवर कर दिया जाता है, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जाओ और उस वीडियो को देखो। अख्तर भाई लिखते हैं कि प्लेन का टिकट प्राइस मेट्रो टू मेट्रो सिटीज में कम क्यों होता है? दोस्तों आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है आप सभी को तो पता ही होगा, आने वाले कुछ सालों में टिकट प्राइस और भी कम हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की तो वहां पर पैसेंजर्स की कमी नहीं होती, कोई भी सीट खाली नहीं जाता, इसीलिए कम टिकट प्राइस में भी फायदा हो जाता है। अंकुर भाई लिखते हैं कि क्या होगा अगर पायलट अपने ऑपरेशनल फ्लाइट पर नहीं जाता है,
भाई आपका सवाल में समझ नहीं पाया, आप पूछ क्या रहे हैं। अगर कोई पायलट ड्यूटी पर नहीं जाता है तो उसे रिप्लेस करके दूसरे पायलट को भेज दिया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।